और 120 सिर्फ नहीं बना, मसला इस बात का 120 रन कुकड़ियों को ये बाबर आजम है, ये फजूल है। जैसे वो पुराना पाकिस्तान 120 बनाते हमें पकड़े, ये खोली कला बना जाना था। एक बोले एक बोले एक बोले, पाकिस्तानी आवाम जो है वो इंतहाई गुस्से में है और मेरी तो जान नहीं छोड़ रही वो मेरी। अब बस 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 भाई मान दे भाई गुस्से में है मेरी जान। पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया यार, पाकिस्तान हो भाई, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया। इतनी गंदी परफॉर्मेंस 120 करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया, तो बैठे वो लग लाना था टीम के ऊपर। मुझे ये बताइए कि 13 बॉलों पे 22 स्कोर रह चुके हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान चेज कर पाएगा? पहले बताया मैं लग के बड़ी प्यारी लग रही है आप, नो डाउट, लेकिन मुझे ये बताइए जो सिचुएशन बना दी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, लगता है कि भाई 13 बॉलों के ऊपर जो है वो 22 स्कोर चाहिए, लगता है कि चेज कर लेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है आखिरी बॉल तक, उम्मीद पे दुनिया कायम है अगर हमारे बैट्समैन देख लें इफ्तिहार रह गए और शताब रह गए। ओवरऑल थोड़ी परफॉर्मेंस बुरी थी, इतना कम टारगेट था, जैसे हम लोग जितनी अच्छी से उन्होंने बॉलिंग की थी तो लग रहा था कि हाँ जीत जाएंगे, लेकिन हाँ अभी टफ हो गया, फंसना तो नहीं चाहिए था 13 बॉलों में। और ये सिंगल हुई जी 12 बॉलों पर जनाब 21 स्कोर अभी चाहिए, 12 बॉलों पे 21 स्कोर चाहिए और इफ्तिहार साहब जो है वो फेस करेंगे, इफ्तिहार साहब जो है वो फेस करेंगे। बाकी आवाम से भी पूछते हैं कि भाई क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं वो 12 बॉलों के ऊपर जो है वो चेस कर पाएंगे कि नहीं? सर 12 बॉलों के ऊपर जो है वो 21 स्कोर रह गया, लगता है कि चेस कर पाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। इफ्तिखार चाचा हमेशा कॉन्फिडेंट हो जाए, आप कॉन्फिडेंट हैं, चलें होपफुली कि जो है वो हमारा इफ्तिखार चाचा या शराब साहब जो है वो चेस कर पाए। बाकी आवाम से भी पूछते हैं कि भाई वो चेस कर पाएंगे नहीं? सर क्या चेस कर पाएंगे? चेस करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट। इफ्तिखार चाचा के ऊपर उम्मीद है या शराब के ऊपर उम्मीद है? इफ्तिखार के ऊपर, इफ्तिखार के ऊपर। इफ्तिखार ने पिछली बार भी कुछ नहीं किया, हालांकि ऊपर करेगा, आज करेगा, करेगा, हीरो बनेगा, हीरो बनेगा, इफ्तिखार हमारा हीरो है। चलें जी इफ्तिखार कह रहे हैं जी हमारा हीरो है, अभी ब्रेक चल रही है, अभी ब्रेक के बाद जो है पता लगेगा कि भाई हमारा पाकिस्तान जीत रहा है या हार रहा है। लेट्स सी कि हमारी आवाम जो है वो क्या कहती है, जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। अभी तक जिनसे पूछा उन्होंने यही कहा है कि भाई उम्मीद है, अभी तक इफ्तिखार चाचा साहब खड़े हैं और जो है हमारे शताब साहब खड़े हैं, उम्मीद वैसे मुझे कोई नहीं है पर्सनली, क्योंकि इतना कम टारगेट था और इतने कम टारगेट पे भी अगर इन्होंने ऐसे करना है तो फिर कोई फायदा नहीं जीतने का। सर क्या लगता है जीत जाएंगे 12 बॉलों पे? उम्मीद तो है, उम्मीद है, उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। और अभी रह चुकी है 11 बॉलें, 11 बॉलों पे 21 स्कोर, 11 बॉलों पे 21 स्कोर हो जाएगा? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। किसके ऊपर उम्मीद है, शताब या फिर इफ्तिखार? इफ्तिखार चाचा पे, इफ्तिखार चाचा, इफ्तिखार चाचा बुढ़ा हो गया, कहां कर पाएगा बोलो? ये आप देख रहे हैं इंशाल्लाह चाचा इफ्तिखार ही मैच इंशाल्लाह जीतेगा, चाचा इंशाल्लाह ताला, चाचा इंशाल्लाह। सर आपको क्या उम्मीद है, चाचा कर पाएगा या शताब? चाचा, चाचा, चाचा के ऊपर उम्मीद है जी, चाचा के ऊपर जी हमारे सारे पाकिस्तानियों को उम्मीद है, पर्सनली मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे मैं देख चुका हूं इसको कितने काबिल है। 11 बॉलें और 20 स्कोर, 11 बॉलें 20 स्कोर, बॉल चल पड़ी है जी, बॉल चल पड़ी है बुमराह साहब, और बॉल बीट कर दी, बॉल बीट कर दी यार, बॉल बीट कर दी। क्या ये चाचा इफ्तिखार कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि इस बंदे ने कभी शायद क्रिकेट कोई अच्छे तरीके से कभी खेली है कि नहीं खेली, प्रेशर में ये बंदा फर्क है, पुदू बंदा है फर्क। तो भाई हो गया, हो गया, लो जी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आज इतनी गंदी हार, शर्मनाक हार, 120 टारगेट, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, फिर भी जो है वो हमारे 100 गार्ड नंबर 1 बैट्समैन करनी पाचेस, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बिल्कुल खिलाफ, इंडिया के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, या बच्चों के साथ मैच खेले, इंडिया इतनी बड़ी टीम है, 120 स्कोर आराम से बच्चे भी कर लेते हैं, सिंगल डबल भी लेते हैं। बाप बेटे का मुकाबला था तो आज तो भाई दिन था जिस दिन आपने प्रूव करना था भाई हम बाप है, लेकिन ये तो इंडिया ने प्रूव कर दिया। 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान का मैच, उन्होंने दिल तोड़ा पाकिस्तान का, पाकिस्तान को चाहिए कि वो युगेंडा के साथ, उमान के साथ, नबीबिया के साथ मैच खेले, इंडिया के साथ उनका मैच खेलना बनता ही नहीं है। जश्न बुमराह के सामने उन्होंने एक चौका छक्का नहीं लगाया, बस 50 स्कोर के, मतलब बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। क्या कहेंगे चाचा इफ्तिखार के ऊपर, सबसे ज्यादा गुस्सा किसका बॉलर? सबसे ज्यादा गुस्सा इफ्तिखार के ऊपर जिसने मैच हराया, पूरी लाइफ में उसने आज तक कोई मैच नहीं जिताया, उसको टीम में उसका बनता ही नहीं, मोहम्मद आरिफ को लेके जाए, किसी और प्लेयर को लेके जाए, उसको लेके गए चाचा के जिसको खेलने का पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद माद वसीम जैसे टेस्ट मैच खेल रहा था, रजवान जैसे टेस्ट मैच खेल रहा था, 120 स्कोर क्या स्कोर है? सिंगल डबल भी लेकर मैच जीत सकते थे। हमें तो बहुत गुस्सा है आज पाकिस्तान टीम पे, हमने आज पाकिस्तान टीम की सपोर्ट नहीं, हम इंडिया की सपोर्ट करेंगे, इंडिया की सपोर्ट करेंगे, पूरे इंडिया की सपोर्ट करेंगे, किसका सपोर्ट करेंगे? विराट कोहली को, विराट कोहली को सपोर्ट प्लेयर है, विराट कोहली हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, मोहम्मद सिराज, इंडिया की टीम को फुल सपोर्ट। आप किसका सपोर्ट करेंगे? इंडिया को, इंडिया को। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में, क्यों हार गए? 120 स्कोर था बस, 120 वाले थे, 120 स्कोर थे, 8 साल वो लड़कों के साथ खेलना चाहिए था, इनको छोटे लड़कों के साथ खेलना, छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बच्चों के साथ खेले, इंडिया के साथ औकात ही नहीं है, इंडिया के साथ औकात नहीं है इनकी औकात ही। अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, बाबर आजम कोहली के साथ मिला रहे हैं, बाबर आजम कोहली के सामने बच्चा है, बाबर आजम कोहली के सामने बच्चा है, बच्चा उसका 20 साल और क्रिकेट खेले तो मुकाबले में जाएगा, इनका जिगरा नहीं है, असल बात जो है खेल लेते हैं, इनके अंदर बन नहीं है, इनके अंदर जिगरा नहीं है, जिगरा नहीं है, गाड़ी चाहिए, जिगरा है, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बाबर आजम को गोटी गाड़ी ले दे, एक और दो तीन गोटी, किसको गोटी आधी गाड़ी चाहिए, खेलना नहीं आता इसको, कंजरों वाले मिरासियों वाले उसने बाल कटवाए, कप्तानी करनी नहीं आती इसे, इसको वापस उधर फिरदौस मार्केट में एक मरले के घर में उधर टका जाए, ये कोठी के लायक नहीं है, गाड़ियों लायक नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई बाहर हो गया, वापस आएंगे इस्तेमाल करेंगे ना, तो इनकी जिंदगी पे हमारे दिल तोड़ दिया, हम सपोर्ट करेंगे, तो हमारा दुश्मन सबसे इंडिया है, तो हम उसे इंडिया का सपोर्ट करेंगे, हमारा दिल टूटने नहीं देगा, ये इन्होंने हमारा दिल
तोड़ दिया। हम सोए नहीं है पूरे दिन से, पाकिस्तान का मैच है, हम देखेंगे। टीवी केबल की कार खराब हुई तो हमने 1000 रुपया लगवा के कार लगवा दी। अच्छा, रिमोट नवा लिया। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर है? बॉलर के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर, बैट सामान के ऊपर और बैट कार के ऊपर? चाचा बुड्ढा 80 साल तेरी उम्र, तुम मैच खेलने जा रहे हो उधर अमेरिका इंडिया के साथ, पहली दफा गया वो तो घोड़ों की जो है रेसे देख रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं। और चूतिया डॉग है, डॉग है, पाकिस्तान की टीम खत्म करनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम भी मेरे हिसाब से चूती है, टीम को ये करीब लोगों का पसीना है, 45 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। ये नहीं बनता, ये 10 रुपए के काबिल नहीं है। ये देखे 45 लाख रुपया ले रहे हैं, 60 लाख ले रहे हैं, सिर्फ एंजॉय करने गए अमेरिका में। फिर एक इमरान खान की खत्म हो जाते साले, मतलब क्या है क्रिकेट की टीम खत्म करता। मेरी बात सुने, अगर मेरे पास 100 महीन का कोच हूँ, जब ओवर खत्म होता है तो मैं टांचा लेके ऊपर से उतर रहूंगा और 10-10 की बोर्ड पे लगाओ। अगर तुमने एक बॉल मिस की और तुम्हारी 120 स्कोर बच्ची वाला स्कोर, शर्म आनी चाहिए। 8 साल के लड़के की टीम बनाए कनाडा, इंडिया की जो इंडिया की मुला के ना, उधर से 8-8 साल के लड़के चुनने चाहिए 11 उनों के साथ इनको। मतलब इंडिया की अब टीम जो पाकिस्तान में लेके आनी चाहिए, छोटे छोटे वो बार बार आजम बात खेले उनके साथ, बच्चों के साथ। बाबर आजम कहता मैं कोहली के साथ उसको मिला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कोहली के जूती के बराबर नहीं है बाबर आजम, जूती के बराबर कोहली के जूती के बराबर, जूते के बराबर नहीं, वो प्लेयर किंग है। रोहित शर्मा के बराबर है नहीं, उसकी जूती के बराबर नहीं है, पूरी इंडिया टीम के बराबर नहीं है कोई प्लेयर भी पाकिस्तान में है। प्लेयर पाकिस्तान में है, टीम अभी भी है, बाबर आजम को खिलाने नहीं आए। बाबर आजम की कैप्टनसी लेनी चाहिए, कप्तानी इसको खो लेनी चाहिए, इसको छितर मरने चाहिए। और एक गड्डी वड्डी दे दो भाई, तू फिरदार हो तो इन्हें गड्डी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए ना फिर तो। हां यार वो बेगैरत देना चाहिए, देना चाहिए खोता रेड़ा बाबर आजम को। हां उनका काम नहीं है क्रिकेट खेलने का। वैसे सर आप क्या कहेंगे आज के मैच के ऊपर? ये सब बहुत हुक्मरानों का हुक्मरान गलती। इमरान खान का इंटरव्यू सुना तो उसने कहा था कि 1979 को कप जा रहा था, 20 तक भी था, तो उसको पता चला कि हमारी टीम रिश्वत ली हुई है। अच्छा, उसने कहा था कि मुझे पता भी है तुमने ये काम किया है, अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं तुमको जेल में डालूंगा। वही मैच वो जीत गए। आज के मैच में रिश्वत थी क्या या कोई पैसे ले रहे थे? आप मशहूर है, चेज नहीं कर सकती उस टीम को, कोई हक नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेले। शर्मनाक घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दिखाई है। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, इस टीम को अभी इसी वक्त वर्ल्ड कप से निकाले, बाहर निकाले, इनको वापस इधर पहुंचाइए। ये टीम डिजर्व नहीं करती वर्ल्ड कप खेलना। यूएसए से ये लोग हारे, यूएसए जैसी टीम से हार के फिर भी पूरा पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था इसी चक्कर में कि बस प्लीज इंडिया को हरा दो, हमारे राइवल को हरा दो, हम सब कुछ भूल जाएंगे, इंडिया को हरा दो। 120 करके भी जो सोचा था उन्होंने पूरा अपने हाथ में मैच लेके तब मेरी जीत पे। इतनी डरपोक, इतनी बुजदिल टीम मैंने अपनी जिंदगी में देखी कि डरपोक खिलाड़ी इफ्तिकार अहमद बिगेस्ट फ्रॉड वो शादाब खान पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करके रखे चला गया। इसी के साथ साथ क्या नाम है उसका, बोलने को बड़ा कुछ बोलता है लेकिन उसके बल्ले पे बोल नहीं आता। अक्षर पटेल जैसे बॉलर को इनसे हिट नहीं हुई, बुमराह की 3 फुल टॉस इन्होंने मिस कर दी, बेड़ा गड़क करके लग गया पाकिस्तानी क्रिकेट का। आज पाकिस्तानी क्रिकेट दफन होकर रह गई है। बाबर आजम, रिजवान, इसी के साथ साथ सारे के सारे खिलाड़ी, शाहीन अफरीदी, तुम सब ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। बाबर और रिजवान मेरी सुनो बात, अगर तुम लोग 120 भी पाकिस्तान को चेंज नहीं करवा के दे सकते तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा।